दो, एक से एक नट। ये इसका कर्तव्य और भी है, दांतों से डोली मारता है। दांतों से लगा ला तू, ऊपर से नीचे तक लगा ला तू, अकबर बहुत अच्छे अच्छे नट तेरी टीम में गाने वाले हैं। बिल्कुल है, कुछ के सिर पे बाल भी नहीं है, नहीं है, कुछ के सिर पे ज्यादा भी है। मैं भी सोचू कि नू पकड़ू तो कितना पकड़ू। नहीं, कुछ कुछ ऐसे नट भी हैं जिनके सर पे बाल ज्यादा हैं। पीछे घूम के देख। ओह, और कुछ नटनी सुंदर सुंदर नाचने गाने वाली। बिल्कुल है, मैं आज बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ तुम्हारे इस कार्यक्रम से। चलो खुश हुआ, बहुत राजी, मोकेम्बो खुश हुआ, मोकेम्बो खुश। अच्छा जी, हाँ चलो अच्छी बात है, मेरी मेहनत रंग लाई। हाँ बिल्कुल, हम तुम्हें कुछ इनाम देना चाहते हैं। इनाम देना चाहते हैं? बिल्कुल, मुझे इनाम नहीं चाहिए महाराज। नटनी अब इतनी बड़ी भी मत बन, क्योंकि बादशाह अकबर के दरबार में खड़ी हुई है। भाई सीटी तुम क्यों मार रहे हो, नटनी से बात मैं कर रहा हूँ, तुम सीटी क्यों बजाओ, क्योंकि अगर नटनी तुम हमारे दरबार से कुछ नहीं लोगी, अच्छा, तो हमारे दरबार की तौहीन होगी। कुछ ना कुछ तो तुम्हें मांगना पड़ेगा। मांगना पड़ेगा? हाँ, अगर महाराज आप देना ही चाहते हैं, हाँ, तो एक काम कर दीजिए। बताइए। मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। कहाँ? मेरे यहाँ पे चोरी हो गई है, और वो चोर आपकी सभा में विराजमान है महाराज। मेरी सभा के अंदर? हाँ। नटनी, ये बादशाह अकबर का दरबार है जी, यहाँ एक से एक वीर योद्धा महावीर दरबार में बैठे हुए हैं। अच्छा। इन्हें चोरी करने की क्या जरूरत है महाराज? हाँ, अगर इंसान की नियत खराब हो ना, तो वो चाहे कितना भी बड़ा हो, चोरी तो करेगा ही। इस साउंड वाले की तो नियत खराब नहीं है, ये तो नहीं है तेरा चोर, ये बार बार सीटी बजा रहा है महाराज। हाँ। कुछ ज्यादा आनंद आ गया आई थिंक। अच्छा। मेरे दरबार में तेरा चोर है जी महाराज, और मैं चाहती हूँ आप, हाँ, मेरे साथ इंसाफ करें, उस चोर को पकड़वा दीजिए महाराज, यही मेरा इनाम होगा। हम तो हमेशा इंसाफ ही करते हैं नटनी। हेलो, बादशाह अकबर को ये संसार जानता है कि हमने कभी ना इंसाफी नहीं होने दी, और हमने तुझे भी वचन दिए हैं, हम तेरा भी इंसाफ करेंगे। महाराज, इनको चोर नहीं आता है, बहुत कड़वा है। आ जाएगा, आ जाएगा। सुनिए महाराज, कहिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए, क्या कहना चाहते हो? थोड़ा सही को बढ़ा दो यार। वचन भरा के अच्छा मौका पाया था, अचंबा सा हो गया जाके शेर कान ठाया था, अचंबा सा हो गया जाके शेर कान ठाया था। नटनी का आज मौका लग गया, नटनी का आज मौका लग गया, सभा कहे जोर से वो मानस ना छिपे छिपाए, जिस वह सत की डोर से थारे शामी खड़ा बादशाह, यो है मेरा चोर से थारे शामी खड़ा बादशाह, यो है मेरा चोर से। ओ लिया कान पकड़े के था
शेर खान को चोर बता रही है जी महाराज, यही मेरा चोर है। महाराज इसकी ज्यादा बड़ाई कर दी, ये बोला गई है। हाँ इसका ये पता नहीं है बड़ाई, मैं कौन हूँ? तू दिख रहा है मैंने, जो भी है चोर है चोर। मैं 20,000 सैनिकों पर सिपे सलार हूँ। अच्छा, जितनी तू चोरी बताएगी ना, जितने तेरे घर में सामान है इतने का तो मैं खाता हूँ डेली। जी बेशांड हो रहा है और इतना बड़ा शांड होकर चोरी करता है, वो भी थोड़े से रुपए की, शर्म नहीं आती तुझे? अपनी बात कह के कहने जाती है महाराज। हाँ। हम तो गरीब हैं। अच्छा। लेकिन देखो ये खट्टा खट्टा नौजवान जो अपने आप को बड़ा आदमी बताता है, हम गरीबों को सताता है। महाराज इंसाफ कीजिए, वरना आपकी सभा का कोई मतलब नहीं है। महाराज मेरी बात सुन ले, हम इंसाफ करेंगे, लेकिन हमें इतना तो बताइए शेर खान ने तुम्हारा चुराया क्या है? मेरा क्या चुराया? क्या चुराया है? कान खोल के सुन लीजिए महाराज। चुराने के लिए? ओहो तेरा तो बत्ती है, मेरी बात सुन ले। बता। एक नाक का जाता है इसके पास। हम निर्धन क्यों सहम सताए, हम निर्धन क्यों सहम सताए, जग में बसते बहुत ही अमीर, चोरी करता फिर दुष्ट तू बादशाह का बड़े वजीर। रुपए पांच सौ लाया था और एक सोने की थी जंजीर। रुपए पांच सौ लाया था और एक सोने की थी जंजीर। 500 रुपए ये पहन रखी तो? ये दूसरी बनवाई है महाराज, इस पे भी नजर है देखो महाराज। अच्छा। ये भी चोरी कर लेगा मेरी। 500 रुपए एक सोने की जंजीर शेर खान, इतनी घटिया हरकत तेरी महाराज। वो मोटी थी जब भी चोरी कर ले महाराज, आप तो जानते हो ये बात मैं नहीं कर सकता। ये मोटा आदमी तो मोटी मोटी चीज चुराए करे। मोटी चुराएगा ये। मैं कुछ पूछ लेता हूँ शेर खान से, उसके बाद इंसाफ करूँगा। नहीं महाराज अभी इंसाफ कीजिए आप तो। नहीं अभी कुछ पता तो कर लूँ। हाँ तो भरे अगला। अच्छा हाँ ही नहीं भर रहा है अभी नहीं भर रहा मेरी, सुनो पहले बात। है तो तीन लाइन बादशाह अकबर की है, किस तरह से शेर खान पठान से पूछ रहा है, आइए आपके बीच में मैं रखता हुआ चलूंगा। क्यों चुपचाप नटनी की चोरी का शेर खां, देना होगा सब इंसाफ सभी का उजागर हो जा, छुपे ना छुपाया पाप सभी का उजागर हो जा, छुपे ना छुपाया पाप। हो तेरे मुंह पे लगी रे लगाम रे, शेर खान मेरी बात सुन ले। देखिए महाराज। हाँ। चोर की आवाज भी नहीं फट रही। नहीं घबरा तो रहा है, चोरी कर रही है ना इसने। मेरी बात सुन ले, हमारे मुस्लिम धर्म के अंदर, वैसे तो आज तू इस नटनी ने फंसा दिया चक्कर में, आज हो सकता तेरा। महाराज नटनी ने कुछ नहीं फंसाया मेरे को। अच्छा तो कुरान पाक को हाथ में उठा करके खा कसम के आज। हेलो हेलो भाई, के हेलो 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 हेलो, बंद ही कर दे भाई। हेलो बिल्कुल बंद कर दे।
हेलो नारायण घटाई ले जा रहा हूँ, जब तक घटाई घटाई मेरी आवाज बैठा तेने इतनी कम कर दी, सीटी मारा मेरा माइक घटा दे। साथियों किस तरह से शेर खान पठान भरी सभा के अंदर कुरान पाक को हाथ में उठा करके कसम खाता है, किस तरह से वो पतिव्रता बात को पकड़ती है और किस तरह से अपने पति के प्राण बचाती है, तीसरी कली के माध्यम से सुनेंगे। आइए वाले धर्म ईमान मुंह मक्के की तरफ करूं और हाथ मेरे पे धरो कुरान, इससे पहले नटली की अच्छा। देखी नहीं जग में श्याल, अब से पहले इस नटली की देखी नहीं जग महाराज से जो नजर गात बैठे की नहीं, कैसे धर्म टिकाया मेरा जब पापी ने देखी नहीं, कैसे धर्म टिकाया मेरा जब पापी ने देखी नहीं। ओ ध्यान कर लिए शेर खान, हो मेरा हो मेरा किरण मई से नाम रे, हो नाम रे मेरा किरण मई से नाम, हराम का ना पापी वरे ताकी मुझे लूट लिया वाली क्या कह रही है, तुम्हारा किरणमयी है नाम जी महाराज, महाराज झूठ बोल रही है, इसको दरबार से बाहर कर दो, अभी भी बकवास कर रहा है तू, केस रफे दफे करो, देखो महाराज कितना बेशरम आदमी। शेर खान तू तो कह रहा था महाराज इसकी क्या पहचान है ये किरणमयी है, एक महीने और का तेरी क्या पहचान है कि तू शेर खान है, आधार कार्ड दिखाओ, शरीर से आधार कार्ड दिखा, लाइसेंस दिखा फटाफट, और तेरे तो दाढ़ी भी नहीं है, कितना शेर खान हो गया, शेर खान चेक कर, एक ट्रक चेक कर रही है हाँ आरसी लाइसेंस मांग रही, सारी चीज देखूंगी मैं तो महाराज, मेन पॉइंट तो ये देखो मुझे इसकी ये है इसका मतलब शेर खान नहीं है, नहीं है, और शेर खान है तो मैं कोई नटनी नहीं, मेरा नाम किरणमयी है महाराज, और ये शेर खान हूँ तो ये किरणमयी नहीं है, शेर खान तो किरणमयी जी महाराज, क्योंकि हमने तुझे वचन दिए हैं जी महाराज, हम तेरा इंसाफ करेंगे, हम ये इंसाफ भी तेरे ऊपर छोड़ते हैं, अच्छा बता शेर खान को क्या सजा दी जाए, फांसी तोड़ दो महाराज अभी, रस्सी मैं मंगवाती हूँ महाराज अभी तोड़ो, तो अभी तोड़ो महाराज, महाराज ते भी नहीं उठू ना तुत्ते उठू, फांसी कौन तोड़ेगा, जल्लाद है हमारे दौरे बहुत, क्रेन बुलवा लेंगे तन्ना तो तोड़ेंगे जरूर, शेर खान कहिए महाराज फांसी खाने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि इतना बड़ा गलत कदम तूने उठाया है, एक पतिव्रता के धर्म को डिगाने की कोशिश की है, लेकिन तू उसमें असफल हो गया, इस पतिव्रता से माफी मांग ले, शायद तेरी जान बच जाए, लेट सीधा लेट पैर पकड़, चे फांसी वलाई से तोड़ दो, मैं लेटूंगा नहीं, लेटो खड़ा खड़ा मांग ले, नहीं जाए आइए सरदारों किस तरह से शेर खान माफी मांगता है,
किस तरह से वो पतिव्रता उसे माफ करती है और किस तरह से पृथ्वी सिंह के प्राण बचते हैं। आइए अंतिम कली के माध्यम से ये लिखा। भरे हुए गिलास में बिना मौत मारा जाऊं अब कसर रही नानास में गलती करते रे माफ रहूंगा जिंदगी भर तेरा दास में गलती करते माफ रहूंगा जिंदगी भर तेरा दास में। महाराज बदतमीजी कर रहे हैं अभी भी। महाराज कान पकड़ रहे, मेरे कान पकड़ रहे हैं महाराज। शेर खान होश में आ जा। तो मेरी कहते तो मैं पकड़ लेता महाराज, कोई कान पकड़। अपने कान पकड़, दोनों पकड़। अब तो उठक बैठक लगा फटाक से लगा और ना माफ नहीं करूं। शेर खान तेरा तन्ना फांसी तोड़वाऊंगी आज। किरण भाई ठीक है, महाराज कह रहे जो ही मान ले नहीं शेर खान लिकट भी जाएगा। अच्छा सुने मेरी बात। जयकारे गुंजे उस पतिव्रता की होगी जीत। कह जगरण पति बचाया सतवंती ने गा के गीत। कह जगरण पति बचाया सतवंती ने गा के गीत। हो सुख ते बसोरे शेरे पूर गाम रे हो गाम रे सुख ते शेरे पूरे